नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जिन्ना इंटरनेशनल अस्पताल में एक अद्भुत घटना हो गई। यहां एक पाकिस्तानी महिला ने एक साथ सात बच्चों को जन्म देकर जिन्ना के पाकिस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। वैसे भी इस खटारा मुल्क की जाहिल मदरसा पैदाइश ऐसे फुवर रिकॉर्ड बनाने के लिए विख्यात है। इससे पहले नवंबर 2018 में क्वेटा में पाकिस्तानी मुसलमानी ने पांच बच्चों को जन्म देकर मदरसा पैदाइश को गधैया नर्तक करने को मजबूर कर दिया था। जनवरी 2014 में उत्तरी वजीरिस्तान की सबीरा नाम की मुसलमानी ने एक साथ छह बच्चों को पैदा करके हुरो के तबेलों तक में खलबली मचा दी थी। इसी साल पाकिस्तान के पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 35 साल की महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म देकर मुल्लाओं के कान खड़े कर दिए थे। यानी दुनिया में जुड़वा तुड़वा के किस्से तो खूब सुने जाते रहे, मगर छह सात बच्चों को पैदा करने का झंडा पाकिस्तान लगातार ऊंचा कर रहा है। पाक पीएम इमरान के लिए खुशी की बात यह हो सकती है कि जब दुनिया जनसंख्या वृद्धि से परेशान है, लोंडा इस मामले में नोबेल प्राइज पर डाका मार सकता है। इससे यह भी साबित हो जाता है कि इस फंटर मुल्क में महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था तशरीफ उठाने गिराने के अभियान में सिमट गई है। पीएम निकम्मा है और जनता उसकी अम्मा है, यानी पूरी मदरसा पैदाइश निठल्ली पड़ी है। ऐसे में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या आलू की पैदावार बढ़ेगी? इमरान को इस बढ़ती खलकत से कर्ज के बोझ में फायदा जरूर मिल सकता है। इस वक्त प्रत्येक टोपी बाज पर 1,75,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। अगर इसी तरह 7-8 बच्चे एक साथ पैदा होंगे तो कर्ज की रकम भी कम होती चली जाएगी। कम से कम 10-20 रुपए प्रति व्यक्ति का फर्क तो पड़ सकता है। आज मदरसा पैदाइश सात बच्चे एक साथ पैदा करके खुशी में गधैया नृत्य कर रही है, पर इसको लेकर देश के भिखारियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये जाहिल इसी तरह रिकॉर्ड बनाते रहे तो इन भिखारियों का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। आने वाले 8-10 साल में जिन्ना के मुल्क में सभी मांगने वाले बचेंगे, यानी देने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। हालत तो 72 उरों की भी पसीने पसीने हो रही है। अगर 50-100 मुल्लाओं ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली तो हुरों को अपने तबेले बचाने मुश्किल हो जाएंगे। पर इससे भी बड़ा खतरा भारत के लिए मुंह बाए खड़ा है। भारत के सैनिकों को भी याद नहीं है कि वे अब तक पाकिस्तान के कितने टोपीबाज आतंकियों को ठोक चुके हैं, पर अब उन्हें कैलकुलेटर साथ लेकर चलना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नजर ऐसी पैदाइश पर टिकी हुई है। वे इन्हें रिकॉर्ड नहीं मानकर अल्लाह की देन मान रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने जिहाद के लिए भेजा है। यानी यह अल्लाह का संदेश हो सकता है कि तुम एक जिहादी मारोगे, मैं 60 टोपीबाज भेजूंगा। इसलिए भारत को अभी से संभल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो यह भीख मांगकर गुजारा कर सकते हैं, इधर सीमा पार आए और सेना ने 2-4 को टपका दिया तो पाकिस्तान के अस्पतालों में डिलीवरी भी ठेके पर हुआ करेगी। यूं भी जब से इमरान ने सत्ता संभाली है, इस देश में महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा जनसंख्या आकाश बेल की तरह बढ़ रही है। बहुत दिनों से विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि लोंडे की वजह से देश बर्बाद हो गया है, पर सात बच्चों के पैदा होने की खबर सुनकर उन्हें भी सांप सूंघ गया है। संभवतः उन्हें महंगाई बेरोजगारी का असली कारण समझ में आ गया है। इसलिए अब किसी की भी हिम्मत इमरान की दुम पर पैर रखने की नहीं हो रही है। लोंडा यूं भी मुंह में मिट्टी का तेल लिए हुए बैठा है। किसी ने महंगाई बेरोजगारी की वजह पूछी तो सात बच्चों के फोटो वाली तस्वीर मुंह पर मार सकता है। खुद शाह महमूद कुरैशी भी हाथ में माचिस की तिली लिए हुए घूम रहे हैं। वे भी बेहद आग बबूला नजर आते हैं। वे फिर से पाक का पीएम बनते बनते रह गए हैं। इसलिए गुस्से में इमरान को बोल दिया कि थूक दो, फिर पूरा पाकिस्तान धधकता हुआ नजर आएगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा में एक साथ जन्मे बच्चों ने जहां इमरान की नोबेल प्राइज के लिए राह आसान कर दी है, वहीं उसकी मुश्किलों को भी कुछ हद तक कम कर दिया है। महंगाई बेरोजगारी का जवाब मिल गया है और एक अच्छा रिकॉर्ड भी बना है। आतंक के आकाओं की भी बल्ले बल्ले हो गई है और वह ताना भी खत्म हो रहा है जिसे मारते हुए दुनिया कहती थी कि हर टोपीबाज पर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। यकीनन इमरान खान अब आईएमएफ के सामने ये आंकड़े पटक कर ठोक बजा कर कह सकते हैं कि 6 अरब डॉलर कर्ज का पाकिस्तान हर तरह से हकदार है। साथ ही मोदी सरकार को भी अब कैलकुलेटर खरीदने के लिए निविदाएं जारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि सीमा पार से खतरा 7 गुना बढ़ गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।